लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। और अगर हम बात करें तीन तलाक की, तो आखिरकार तीन तलाक से जुड़ा नया विधेयक गुरुवार को करीब 5 घंटे चली मैराथन बहस के बाद लोकसभा से पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में जहां 245 वोट पड़े, तो वहीं विरोध में 11 वोट पड़े। वोटिंग के दौरान कांग्रेस, अन्नाद्रमुक, द्रमुक और सपा के सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। अब यह विधेयक राज्यसभा में भेजा जाएगा, लिहाजा मौजूदा राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। यानी लोकसभा से पास होने के बाद अब ये बिल को लेकर असली परीक्षा, असली एग्जाम जो है वो राज्यसभा में होने हैं। आखिरकार तीन तलाक से जुड़ा नया विधेयक गुरुवार को करीब 5 घंटे चली मैराथन बहस के बाद लोकसभा से पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में जहां 245 वोट पड़े, तो विरोध में 11 वोट पड़े। वोटिंग के दौरान कांग्रेस, अन्नाद्रमुक, द्रमुक और सपा के सदस्यों ने वॉकआउट कर दिया। अब ये विधेयक राज्यसभा में भेजा जाएगा। दरअसल 8 जनवरी तक चलने वाले शीत सत्र में ही मोदी सरकार इसे पारित कराना चाहती है। वहीं विपक्ष ने सरकार गलत तरीके से विधेयक को लाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके बहाने वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। दरअसल जनवरी 2017 से सितंबर 2018 तक तीन तलाक के 430 मामले सामने आए थे। इसमें 229 मामले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले और 201 केस उसके बाद के हैं। वहीं अगर राज्यसभा से विधेयक पास नहीं हुआ, तो सरकार को फिर अध्यादेश लाना पड़ेगा। सरकार ने तीन तलाक को अपराध करार देने के लिए सितंबर में अध्यादेश जारी किया था। इसकी अवधि 6 महीने की होती है, लेकिन अगर इस दौरान संसद सत्र आ जाए, तो सत्र शुरू होने से 42 दिन के भीतर अध्यादेश को बिल से रिप्लेस करना होता है। मौजूदा संसद सत्र 8 जनवरी तक चलेगा। अगर इस बार भी बिल राज्यसभा में अटक जाता है, तो सरकार को दोबारा अध्यादेश लाना पड़ेगा। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में तीन तलाक की 1400 साल पुरानी प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था और सरकार से कानून बनाने के लिए कहा था। सरकार ने दिसंबर 2017 में लोकसभा से मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पारित कराया, लेकिन राज्यसभा में ये बिल अटक गया, जहां सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। दरअसल विपक्ष ने मांग की थी कि तीन तलाक के आरोपी के लिए जमानत का प्रावधान भी हो। इसी साल अगस्त में विधेयक में संशोधन किए गए, लेकिन ये फिर राज्यसभा में अटक गया। इसके बाद सरकार सितंबर में अध्यादेश लेकर आई। इसमें विपक्ष की मांग को ध्यान में रखते हुए जमानत का प्रावधान जोड़ा गया। अध्यादेश में कहा गया कि तीन तलाक देने पर 3 साल की जेल होगी। अध्यादेश के आधार पर तैयार किए गए नए बिल के मुताबिक आरोपी को पुलिस जमानत नहीं दे सकेगी। मजिस्ट्रेट पीड़ित पत्नी का पक्ष सुनने के बाद वाजिब वजहों के आधार पर जमानत दे सकते हैं। उन्हें पति पत्नी के बीच सुलह कराकर शादी बरकरार रखने का भी अधिकार होगा। बिल के मुताबिक मुकदमे का फैसला होने तक बच्चा मां के संरक्षण में ही रहेगा। आरोपी को उसका गुजारा भी देना होगा। तीन तलाक बिल को लोकसभा में पारित कर दिया गया। अब इसे राज्यसभा में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इसके बाद ही ये कानून की शक्ल ले सकेगा। राज्यसभा में बदले अंकगणित में बीजेपी को 10 सांसदों की संख्या का बड़ा फायदा हुआ है। इस फायदे से बीजेपी मौजूदा 58 सदस्यों के आंकड़े से बढ़कर 68 तक पहुंच गई है। उसके साथियों को मिलाकर एनडीए का आंकड़ा 86 हो गया है। हालांकि ये आंकड़ा राज्यसभा में बहुमत के लिए जरूरी 123 सीटों से काफी नीचे है। बता दें कि पिछले कुछ चुनावों के बाद कांग्रेस को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, उसके पास 54 सीटें बनी हुई हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के पास पहले भी ऊपरी सदन में 54 सांसद थे। कांग्रेस के सहयोगी दलों को मिला दें तो यूपीए का आंकड़ा 68 तक पहुंचता है। लिहाजा इस स्थिति में एक बात साफ है कि मौजूदा राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। यानी लोकसभा में पास होने के बाद अब बिल को लेकर असली परीक्षा राज्यसभा में है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।